नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश की सियासत के बारे में। प्रदेश में जिस तरह के माहौल हैं उसको देखते हुए कई तरह के नतीजे बनते दिख रहे हैं। अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसमें जदयू एकदम से कह लें कि फुल स्टेज में है, एकदम से अपने नए टेम्परामेंट में जदयू दिख रहा है। जदयू की तरफ से जो बयानबाजियाँ सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, मीडिया में भी इस तरह की खबरें खूब चल रही है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जदयू के जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, उनको आज और कल यानी कि 8 अगस्त और 9 अगस्त को पटना में रहने को कहा गया है। साथ ही साथ यही स्थिति जो है कमोबेश आरजेडी के साथ है। आरजेडी ने भी अपने सभी विधायकों को पटना में बुला लिया है, पटना में तलब किया गया है। तो ऐसे में दो स्थितियां बन रही है। दूसरी तरफ अगर हम एनडीए को देख लें तो एनडीए का एक और घटक दल हम है, हमने भी जो है अपने विधायकों के साथ बैठक करने की बात कह दी है। तो ऐसे में सब कुछ जो है ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में जो है सियासत बदलने वाली है, सियासी घटनाक्रम में जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला। अब तक जो तस्वीरें में आप देख रहे होंगे जनता दल यूनाइटेड और इसमें जो है तीन चेहरे आपको दिख रहे हैं, केसी त्यागी एक तरफ, दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार बीच में, और ये जो व्यक्ति आरसीपी सिंह हैं ये अब जदयू के अंग नहीं रहे। तो ऐसे में एक तरह से कह लें कि एक बड़ा धड़ा हुआ करता था जदयू के साथ, जिसमें कहा जाता जदयू को तोड़ने की अगर हिमायत अगर कोई करता है तो वो जो है अपने आप में एक बड़ी काबिलियत रखता है। लेकिन अब जो है इन धड़ों में एक बड़ा टूट जो है सामने आया है, इसमें आरसीपी सिंह जो है अब जदयू के साथ नहीं है। जदयू के साथ उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि जदयू जो है एक डूबती हुई नाव है, अगर इसमें जो सवार होता है या फिर जो नेता इसके साथ हैं वो डूब जाएंगे। हालांकि उसके बाद जो है एक बयान भी आता है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से और उसमें जो है वो अपनी बात को रखते हैं, उसके बारे में हम आगे थोड़ा और जानेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान की जो घटनाक्रम है उसको लेकर जो है साफ तौर पर यह क्लियर होता दिख रहा है कि जैसे ही जदयू से इस व्यक्ति का नाता टूटा है, यानी कि आरसीपी सिंह जैसे ही पार्टी से अलग हुए हैं, वैसे ही जो है यहाँ कुछ नए घटनाक्रम जो है देखने को मिले हैं, जिसमें कि जदयू का कांग्रेस के साथ संबंध होना, जदयू का आरजेडी के साथ संबंध होना, ये दो ऐसी नए कारनामे जो पिछले दो दिनों में देखने को मिले हैं और अगले आने वाले दो दिनों तक जो है इसमें जो है एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि आखिर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न कैसे हुई, उसका एकमात्र जो तर्क दिया जा रहा है और एकमात्र जो कारण बताया जा रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि हम फ्री हैंड में काम करें, हम पे जो है बीजेपी का किसी तरीके से कोई दबाव ना हो। इन सब चीज़ों के बीच में जो है साफ तौर पे नीतीश कुमार जो है उनका कहना है कि हम जो है सीधे तौर पे बीजेपी के साथ तब रहेंगे जब एक बड़े भाई की भूमिका में होंगे या फिर जो है हमारे काम में जो है किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं होगी। हमने पिछले दिनों की जो स्थितियाँ देखी उसमें बिहार में कानून व्यवस्था हो या फिर अन्य दूसरे विभाग हों उसमें काम काज को लेकर हो, लगातार बीजेपी के मंत्री जो है नीतीश सरकार पर आरोप लगाते रहे कि आपके जो है एक तरह से कहने के लाइन एंड ऑर्डर को लेकर जो है असामाजिक तत्वों की तरफ से जो स्थितियां हैं उसमें जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लगातार अपराधी जो है बिहार में बढ़ते जा रहे हैं, उनके पाव जो है और भी बढ़ता जा रहा है, इस तरह के कई आरोप जो है नीतीश कुमार पर लगते रहे। उसके बाद जो है ये जो अभी जो वर्तमान स्थितियाँ आई है उसमें जो है आरसीपी सिंह भले ही अलग हुए, ये एक तत्कालीन कारण हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो कई लंबे समय से जो है बनती हुई दिख रही थी। एक दूसरा और भी मामला है जो कि सामने निकल कर आया है, उसमें जो है एक तरह से हम कह लें कि नीतीश कुमार जो है पिछले कई दिनों से जो है बीजेपी से अपनी दूरियाँ बनाते हुए दिख रहे थे। पिछले लंबे समय से जो है अगर हम कह लें कि पिछले कुछ महीने ऐसे रहे जिसमें कि नीतीश कुमार का बीजेपी के किसी भी बड़े कार्यक्रम में उस तरह से शामिल नहीं होना, अगर हम केंद्रीय की बैठक करें, केंद्र में अगर किसी तरह की बैठक हो, कोरोना के साथ पूरे देश के जो है जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके साथ अगर बैठक होनी थी उसमें भी जो है नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के साथ वो बैठक थी उसमें शामिल नहीं हुए। उसके बाद नीति आयोग की जो बैठक थी उससे पहले राष्ट्रपति का जो है शपथ ग्रहण था और रामनाथ कोविंद जो कि उस समय रिटायर हो रहे थे वो बाहर हो रहे थे राष्ट्रपति भवन से उस दिन जा रहे थे, उस दिन भी जो है मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ही थी उसमें जो है बीजेपी के बड़े नेता शामिल थे, उसमें भी मुख्यमंत्री नहीं शामिल हुए। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि नीतीश कुमार जो है कोरोना संक्रमित हैं और जो है उसके बाद से ये कहा गया कि अब जो है मुख्यमंत्री किसी से बात नहीं करेंगे। तो अब जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई उसमें एक तो आरसीपी सिंह बाहर हुए, अब जो है बीजेपी की तरफ से यानी कि कह लें कि बीजेपी की तरफ से तो सीधे तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जदयू की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा जा रहा है
कि हम जो है अब पार्टी में दूसरा चिराग प्रकरण सामने नहीं आने देंगे। इस चिराग प्रकरण को लेकर अगर हम बात करें तो ये साल जो है 2020 के विधानसभा का चुनाव है, उसमें जो है जदयू और बीजेपी दोनों अलायंस में सरकार चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यही वो समय था 2020 के विधानसभा का जिसमें चिराग पासवान की पार्टी जो कि लोजपा है, लोजपा से जो है उसमें दो अलग अलग खंडों में बटा, उसके बाद जो है बड़ा भूचाल आया उसमें, और एक तरह से बीजेपी जो है उसको साफ तौर पे एक तरह से कह लें कि सपोर्ट किया बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान, और बीजेपी के सपोर्ट के कारण ही वो जो है जदयू के वोट बैंक काटने में सफल रहा और बीजेपी की सीटें जो है उस समय कम हुई थी। अब जो है जदयू ये चाह रही है कि बीजेपी जब हमको उस समय डैमेज फॉल की, अब जो है आरसीपी सिंह को जो है वो भड़काने की कोशिश कर रही है। सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से इसी तरह के बयान है, उसमें आरसीपी सिंह के भड़काने और चिराग पासवान को जो है 2020 में जदयू के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारना दो बड़ा अहम फैक्टर जो है इस समय के चुनावी गुणागणित में जो है निकल कर सामने आ रहा है। अगर हम आगे के घटनाक्रमों को देखें जिसमें कि किस तरह की स्थितियां जो है बनती दिख रही है, तो उसमें तेजस्वी यादव का जो विरोध मार्च है वो खुले तौर पर जो है अब सामने आया है, बीजेपी के विरोध में वो खुलकर सामने बोल रहे हैं और वो लगातार एक तरह से कह लें कि बीजेपी की नीतियों पर हमला बोल रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमला है, नीतीश कुमार को लेकर जो है सॉफ्ट कॉर्नर बनता हुआ तेजस्वी यादव को लेकर दिख रहा है। तो ऐसे में जो हमने पहले भी एक समीकरण बताया जिसमें तेजस्वी यानी कि आरजेडी कांग्रेस की तरफ से भी हम बात करेंगे, तो कांग्रेस की तरफ से जो है सोनिया गांधी का जो है कहा जा रहा है कि फोन पे जो है दोनों के बीच में बातचीत हुई है, तो ऐसे में किस तरह की बातचीत हुई है ये अभी मीडिया में खुलकर सामने नहीं आया है, ना तो आधिकारिक तौर पर बयान दिया गया है, लेकिन जो खबरें चल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के साथ नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। और दूसरा जो एक और अहम फैक्टर है उसमें आरजेडी के विधायकों को बैठक के लिए बुलाया गया है, जदयू के विधायकों को बैठक के लिए बुलाया गया है और हम के भी विधायकों को जो है वो बैठक के लिए बुलाया गया, यानी कि तीनों चारों पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पे अपनी मजबूती दिखाएगी। तो साफ तौर पे अब जो गणित बनता दिख रहा है उसमें ये बातें कही जा रही है, मीडिया की जो सुर्खियां हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया कि अगले 48 घंटे बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं बिहार में और जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही है अपने अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से, उसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बिहार का अगला 48 घंटा जो है वो काफी अहम होने वाला है, बीजेपी या तो विपक्ष में बैठ सकती है या फिर जो है उन्हें कोई कड़ा निर्णय लेना होगा ताकि नीतीश कुमार जो है उनके साथ आगे की जो है पारी खेल सके, उनके साथ जो है आगे की रणनीति में शामिल हो सके, लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसमें सब कुछ जो है घामाघेल होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से आरसीपी सिंह का जदयू से नाता टूटा और उसके बाद जो है बिहार के जो है सियासत में एक बड़ा भूचाल आता हुआ दिख रहा है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।